हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं फैशन के फंडे और मैं हूं प्रियंका सचान। आज आपके लिए लेकर आई हूं वेडिंग वियर ड्रेसेस और साड़ी। सो वेडिंग का सीजन आने वाला है, बहुत लोग जो है रीजनेबल प्राइस में जो है लहंगे वगैरह ड्रेस वगैरह सर्च करते हैं, तो उस काफी रीजनेबल प्राइस में मुझे मीशो से चीजें मिल गई। वो तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को फुल वॉच करिएगा। बहुत ही सुंदर सा कलेक्शन आया हुआ है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में बहुत ही सुंदर सा कलेक्शन है, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सो फर्स्ट जो लहंगा आ रहा है ये पर्पल कलर में आ रहा है, मीशो पे बहुत ज्यादा ट्रेंडी है। इस तरह के लहंगे बहुत ही ज्यादा पड़े रहते हैं, बहुत सारे सेलर के पास रहते हैं, बट मैं जिस सेलर का कोड दूंगी उसी सेलर से मंगवाइएगा, क्योंकि अदर सेलर में कई बार फ्रॉड भी हो जाता है, तो मुझे जैसा मिला तो आपको भी वैसा ही मिलेगा। सो फर्स्ट फॉल स्टार्ट करते हैं इसके ब्लाउज से। तो ब्लाउज जो मुझे मिला वो इस तरह से आएगा, आप इसको फ्रंट रखवा सकते हो, बैक रखवा सकते हो, बट आई सजेस्ट कि इसको फ्रंट ही रखवाइएगा। पूरी एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है इस तरह से, और ये जो लगाए हुए हैं ये सितारे हैं। ये मैं देखिए पास से दिखा देती हूँ एम्ब्रॉयडरी इसकी, नीट एंड क्लीन एम्ब्रॉयडरी है बिल्कुल। ये देखिए बहुत ही सुंदर सी एम्ब्रॉयडरी की हुई है। ब्लाउज इसका बन के आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। चोली बनवाइए इस तरह से, ये फ्रंट आएगा और ये साइड में एक दिया हुआ है प्लेन, और एक ये प्लेन टुकड़ा दिया हुआ है वो फ्रंट नेक के लिए दिया हुआ है, और बैक के लिए प्लेन आएगा। आप इसमें हल्की सी नीचे बॉर्डर पे या नेक पे लेस लगवा सकते हो जो है सिल्वर कलर की, तो उसके साथ ये चला जाएगा। तो ये जॉर्जेट का कपड़ा दिया हुआ है, पूरा लहंगा जो है जॉर्जेट में आ रहा है, और ये इनर के लिए मतलब अस्तर के लिए कपड़ा दिया हुआ है, काफी अच्छा खासा अस्तर दिया हुआ है। आई थिंक 1 मीटर के करीब अस्तर दिया हुआ है अस्तर का कपड़ा, तो आराम से आपको जैसे भी सिलवाना है सिलवाइए और बच भी जाएगा। और साथ में ये जो कपड़ा दिया हुआ है ये फुल साइज ब्लाउज बनेगा, आपको जिस साइज का भी ब्लाउज बनवाना है, एक्सएल डबल एक्सएल जो भी साइज आपको चाहिए सब बन जाएगा इसपे। सो लहंगे की बात करते हैं अगर, तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सा ये पर्पल कलर का लहंगा आएगा, सेम कलर में सारा कुछ आएगा आपको इसपे मिलेगा। इसपे जो ऊपर का बॉर्डर है ये इस तरह से प्लेन दिया हुआ है, बट बिल्कुल भी खराब नहीं लग रहा है पहनने पे। और जो इसकी ये चीज दी हुई है ना एम्ब्रॉयडरी, ये देखिए मैं पास से दिखा देती हूँ, बहुत ही सुंदर सी एम्ब्रॉयडरी दी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है, कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये इतने कम का लहंगा। आई थिंक 1300 समथिंग पड़ा, 1350 रुपीज आई थिंक समथिंग पड़ा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये 1300 में लहंगा मिल सकता है आप अगर। सो इस तरह से आएगा पूरा ये लहंगा, कली में आएगा, कलियों में पूरा लहंगा बना होगा, घेर काफी अच्छा खासा दिया हुआ है। बैक साइड पे आप देखोगे ना तो बैक साइड पे इस तरह से बकरम लगा के दिया हुआ है, सॉरी बकरम नहीं लगाया हुआ है इसमें, किनकैल लगाया हुआ है ये इतना मोटा वाला। सो काफी अच्छा फ्लेयर आ रहा है, बहुत ज्यादा नहीं है कि बहुत ऐसे करके एकदम फ्लेयर आए, बट जैसे भी आ रहा है फ्लेयर बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो ये देखिए इस तरह से पूरा आ रहा है, इसकी घेर मैं आपको दिखा देती हूं पूरा, ये देखो बहुत, इसका जो एम्ब्रॉयडरी आ रही है ना वो बहुत ही अच्छी लग रही है, एकदम नीट एंड क्लीन सी एम्ब्रॉयडरी दी हुई है, बहुत हैवी नहीं है और काफी लाइट वेटेड लहंगा है, और एकदम फुल पार्टी वियर लहंगा है। आपकी कजिन की शादी है, सिस्टर वगैरह की शादी है, या फिर आप ब्राइड हो तो आप इस तरह का जो है संगीत वगैरह फंक्शन के लिए ले सकते हो। बहुत ही अच्छे से लुक आ रहा है यार इसका, लुक जो डिजाइन मिला मुझे, इतनी उम्मीद नहीं थी कि 1300 रुपए में मुझे मतलब ऐसा लहंगा मिल जाएगा, बट मिल गया थैंकफुली, मतलब बहुत ही अच्छी। कई बार मीशो में बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें आ जाती है। सो ये कलर एकदम जो एग्जैक्टली दिख रहा है वही कलर आ रहा है, कलर भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, वाइन कलर आ रहा है, वाइन पर्पल आप जो भी मतलब बोल सकते हो, एकदम एग्जैक्टली सेम यही कलर आ रहा है जो आपको दिख रहा है, इसीलिए मैंने लाइट जो है थोड़ा सा डिम करके दिखा रही हूँ ताकि ओरिजिनल चीजें जैसी है वैसी दिखाई दे।
सो बहुत ही सुंदर सा लहंगा आ रहा है। ये देखिए पूरा एकदम लेंथ वगैरह बहुत ही अच्छे खासे से दी हुई है। ब्लाउज आपको स्टिच कराना पड़ेगा, एक साइड से सिलाई लगवानी पड़ेगी, दैट्स इट, आपका जो है लहंगा रेडी हो जाएगा। सो मस्ट जरूर ट्राई करिएगा यार, आपको मतलब बहुत ही बजट फ्रेंडली लहंगे है तो जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा लहंगा मिला ये। तो उसकी चुन्नी तो रह गई बताने के लिए, चुन्नी आ रही है उसकी, ये चुन्नी आएगी इस तरह से जो है सितारे और धागे का पूरा बॉर्डर बनाया हुआ है, फुल लेंथ चुन्नी मिल रही है, बाकी पूरी चुन्नी प्लेन आएगी और चारों तरफ ये बॉर्डर लगाया हुआ, काफी डिसेंट सी चुन्नी लग रही है, पूरी फुल लेंथ है। तो आपको अगर सर में पल्ला लेना है या फिर आपको जैसे भी करना फुल सर पे पल्ला लेना है तो उसके लिए एकदम परफेक्ट है, आप आराम से सर पे पल्ला ले सकते हो। इस तरह की ये चुन्नी आई है, ये देखिए ये चुन्नी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, सिंपल सोवर सी चुन्नी है, क्योंकि लहंगा जो है फुल एम्ब्रॉयडरी लहंगा है, इसीलिए चुन्नी का जो है जो दिया हुआ है वो लाइट वेटेड दिया हुआ है, इस बॉर्डर में केवल दिया हुआ, बाकी पूरी चुन्नी प्लेन आ रही है क्योंकि लहंगा जो है फुल एम्ब्रॉयडर्ड लहंगा है। सो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट जो मैंने मंगवाया वो है ये ग्रीन कलर का लहंगा, ग्रीन कलर का, आप चाहो तो इसको मेहंदी फंक्शन में यूज कर सकते हो, आप अगर ब्राइड हो, अगर आप गर्लिश लुक मतलब आप ब्राइड हो तो आप मेहंदी के लिए ले सकते हो, वरना आप और फंक्शन के लिए ले सकते हो इसको, आप किसी की शादी में जा रहे हो, आपकी घर की फैमिली की शादी है, एंगेजमेंट में ले सकते हो आप इसको, या फिर आप बारात के टाइम भी पहन सकते हो। बहुत ज्यादा खूबसूरत सा लहंगा है, बहुत ही लाइट वेटेड लहंगा है, मैंने देखा है जो लड़कियां होती है ना वो हमेशा लाइट वेटेड ही कैरी करती हैं। सो ये लाइट वेटेड लहंगा, इस तरह से बॉर्डर दिया हुआ है, फुल नेट की चुन्नी दी हुई है, फुल विड्थ है, देखिए कितनी ज्यादा दिख रही है ना, फुल विड्थ में आ रही है इस चुन्नी, पूरे में इस तरह से बॉर्डर दिया हुआ है और ब्लाउज इसके साथ ही अटैच्ड अभी जुड़ा हुआ है, बट ये देखिए ब्लाउज इसका जो है फुल एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज है, फ्रंट ये आएगा पूरा फुल एम्ब्रॉयडरी, कुछ भी धागे वगैरह कहीं से भी नहीं निकले हुए हैं, पूरा फुल नीट एंड क्लीन एम्ब्रॉयडरी दी हुई है, ये बैक का आएगा, फ्रंट और बैक दोनों साइड दिए हुए हैं इस पे, मस्त मतलब बहुत ही सुंदर सा वर्क किया हुआ है। बैक साइड से मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए बिल्कुल बहुत ही अच्छे से एम्ब्रॉयडरी की हुई है, कुछ भी खराब नहीं है, कुछ भी ऑड नहीं लग रहा है, एकदम सीक्वेंस का वर्क दिया हुआ है, बट सीक्वेंस जो है बहुत ही सटल से लगाए हुए, बहुत हैवी हैवी बड़े बड़े नहीं लगाए हुए, बहुत ही जो है साइज में एकदम मीडियम साइज लगाया हुआ है तो अच्छा लग रहा है बहुत। इस तरह का इसका ब्लाउज आएगा फ्रंट और बैक का ये, और इसके साथ आपको लाइनिंग भी मिलेगी, ये ब्लाउज में लगवाने के लिए आपको लाइनिंग भी मिलेगी। स्लीव्स के लिए कपड़ा जो दिया हुआ है वो शॉर्ट स्लीव्स के हिसाब से ही दिया हुआ है, आई थिंक आप इसको इसमें शॉर्ट स्लीव भी निकलेंगी, और ब्लाउज दोनों ही हो गए। अब लहंगे की बारी आती है, लहंगा इस पे जो इससे पहले मैंने पर्पल वाला दिखाया वो जो लहंगा था उसमें मतलब ये भी 1300 समथिंग पड़ा, दोनों ही की जो एम्ब्रॉयडरी है, दोनों की एम्ब्रॉयडरी जो है काफी अलग अलग तरीके से की गई है, उसमें धागे की एम्ब्रॉयडरी के साथ सितारे लगाए हुए हैं और इसमें फॉइल मिरर का काम किया हुआ है पूरे में, जॉर्जेट के कपड़े में आ रहा है ये लाइट की वजह से आई थिंक हल्का सा ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, बट ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है, एकदम डार्क मेहंदी डार्क ग्रीन कलर होता है ना वो कलर आ रहा है। नीचे इस तरह से बॉर्डर के साथ पाइपिंग लगाया हुआ है नीचे साइड, और इसमें अंदर अस्तर में किनकैन या बकरम लगा के नहीं दिया हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं लगाया है तो एकदम जो है अच्छा ना लगे, दबा दबा सा आए, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बहुत ही अच्छे से, बहुत ज्यादा फ्लेयर ऑफकोर्स नहीं आ रहा है, फ्लेयर नॉर्मल है, बट देखने में बिल्कुल भी चीप नहीं लग रहा है, क्वालिटी वगैरह आप देखोगे ना बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। जरूर ट्राई करिएगा इसको, इस तरह के लहंगे मैं काफी टाइम से जो है लेना चाहती थी बट मंगवा नहीं रही थी, मुझे लगता था कि क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी यार, 1300 रुपए में क्या ही देंगे, बट यार क्वालिटी बहुत जबरदस्त क्वालिटी मिली हुई है, ये देखिए पास से दिखा देती हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब अगर
आप रिटेल में लेने जाते हो, रिटेल में लेने जाओ तो डमी वगैरह में बाहर जो दुकानों पे ड्रेसेस लगाई हुई थी हैं, वो मुझे मतलब लगता है कि ले लो यार कितना अच्छा कलेक्शन आया हुआ है, बट जब आप उसका प्राइस देखने जाओ आप तो 4000-6000 इससे नीचे तो कुछ भी ड्रेस जो है सब ढंग की नहीं मिलती है। अभी मूव करते हैं फटाफट से, आपको और भी लहंगे दिखाते हैं और साड़ी भी दिखाते हैं। सो चिपक के रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, भगाइएगा बिल्कुल भी मत वीडियो को। ये देखिए ब्यूटीफुल सी चुन्नी, सो चुन्नी से स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा खूबसूरत चुन्नी मुझे इसकी लगी, बहुत ही ज्यादा। सो इसमें ये लेस लगाया हुआ है इस तरह से मिरर वर्क का, मिरर वर्क और धागे से पूरा फुल एम्ब्रॉयडर्ड है, इस तरह की लेस लगाई हुई है, डार्क मजेंटा पिंक, बहुत ही ज्यादा खिलता कलर है। फुल चुन्नी मिल रही है, बहुत ही सिंपल सी सोवर सी चुन्नी लग रही है। कलर इधर जो है लाइट पिंक कलर आएगा और इधर डार्क मजेंटा पिंक कलर का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। चुन्नी यार बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। इसका ब्लाउज जो है यार, ये आ रहा है इसका ब्लाउज, ग्लेस कॉटन का जो कपड़ा होता है वो दिया हुआ है, काफी थिक सा कपड़ा दिया हुआ है, एकदम शाइनिंग वाला जो है कपड़ा दिया हुआ है। ये देखिए कितना सुंदर सा ब्लाउज, एकदम हाथ लगाओ ना तो ऐसे ही इतना मुलायम लग रहा है कपड़ा इसका। और इसका नेक जो दिया हुआ है ये बैक नेक दिया हुआ है, इसे मटका शेप में नेक आएगा और पीछे ये एक और लेस दी हुई है इस तरह से आएगी। धागे लगाया हुआ है, एम्ब्रॉयडरी इस तरह से देखिए एम्ब्रॉयडरी की हुई है और फॉइल मिरर लगाया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत सा नेक बनेगा इसका ब्लाउज, ब्लाउज जो रेडी होगा यार क्या मस्त लगने वाला है। आप इस तरह के ब्लाउज जो है बाद में मतलब साड़ियों वगैरह के साथ भी पहन सकते हो, या फिर और भी किसी स्कर्ट वगैरह के साथ पहनना है आपको, जिसमें भी पहनना है चला जाएगा, क्योंकि मर्जेंटा कलर है, मर्जेंटा कलर बहुत सारी ड्रेसों के साथ चला जाता है। सो ये बहुत ही खूबसूरत सा नेक दिया हुआ है मस्त, और ये इस तरफ एक प्लेन कपड़ा दिया हुआ है जिससे आप स्लीव्स बनवा सकते हो, और ये बैक के लिए दिया हुआ है। आप ब्लाउज किसी भी साइज में बनवाना है आप उस साइज में बन जाएगा, इतना कपड़ा दिया हुआ है इसमें। फ्रंट जो नेक आएगा ये आएगा इस तरह से, नेक दिया होगा हल्का सा वी शेप में दिया होगा, नीचे जो डिजाइन आ रही है ये यार बहुत ही मस्त आएगी इस तरह का, इस तरह का पूरा ब्लाउज जो बनेगा बहुत ही सुंदर सा ब्लाउज लगेगा। ये कलर इतना प्यारा कलर आ रहा है और जो इसकी डिजाइन दी हुई है वो भी अच्छी आ रही है। अगेन इसमें भी एक स्लीव्स का दिया हुआ है, सो दोनों स्लीव्स फ्रंट और बैक एकदम बहुत ही अच्छे से बनने वाले हैं। ये लहंगा जो मुझे पड़ा 1600 में पड़ा, 1600 में मुझे मिल गया ये लहंगा। ये आ रहा है इसका लहंगा, इसका जो मतलब कपड़ा है वो ग्लेस कॉटन में होता है ना, इस कपड़ा दिया हुआ है जो ब्लाउज का कपड़ा दिया हुआ है जैसे, सेम वही कपड़ा इसका दिया हुआ है, बट कलर दोनों ही अलग है। ब्लाउज का कपड़ा कलर जो है डार्क मर्जेंटा में है और ये वाला ऐसे पिंक कलर आ रहा है, पिंक गाजरी टाइप का कलर आ रहा है और मजेंटा से इसका कॉम्बिनेशन बनाया हुआ, सेम वही लेस दी हुई है जो चुन्नी पे लेस दिया हुआ, बाकी डार्क लाइट का इस तरह से कॉम्बिनेशन करके फॉइल मिरर का, और ये गोल्डन, ये जो आपको दिख रहा है ना ये गोल्डन से वर्क किया हुआ है ये, और ये फॉइल मिरर का वर्क किया हुआ है, दोनों ही कॉम्बिनेशन जैसे भी यूज करा हुआ है बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है। सो इस तरह से आएगा ये पूरा लहंगा, नीचे आप जाओगे ना तो ये पाइपिंग आएगी इस पे इस तरह से, ये देखिए ये पाइपिंग लगी होगी और इसमें इस साइड पीछे साइड ऐसे बकरम एक लगा हुआ होगा और लाइनिंग लगी होगी इस तरह से, लाइनिंग पूरी लगाई हुई है। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा लहंगा लग रहा है, आप इसको एक्सल या डबल एक्सल साइज के हो दोनों साइड आएगा, अनस्टिच लहंगा होगा, बहुत ज्यादा खूबसूरत लहंगा है, मस्त है, जरूर ट्राई करिएगा आप, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आप इसको संगीत वगैरह फंक्शन के लिए लेना है या फिर वेडिंग वगैरह के लिए लेना है आप पहन सकते हो। 1600 में मतलब इतना खूबसूरत सा वर्क, पूरा फुल वर्क ब्लाउज चुन्नी, इतनी खूबसूरत सी लहंगा इतना मिल रहा है, मतलब और क्या ही मिलेगा। सो आप ये तीनों ही लहंगे बहुत ज्यादा खूबसूरत लगे, बहुत ही मतलब एकदम फुल पार्टी वियर लहंगे हैं तीनों ही, आप कोई भी ट्राई कर सकते हो, मुझे तो तीनों ही बहुत ज्यादा पसंद आए। बट हाँ ग्रीन वाला थोड़ा सा लाइट वेटेड है क्योंकि उसके नीचे बकरम नहीं लगाया हुआ है, तो आप चाहो तो ये तो बकरम लगवा सकते हो। अगर आप
जो है 1300 पे कर रहे हो, तो थोड़ा सा तो आप उसमें और चीजें ऐड कर ही सकते हो। तो आप बकरम वगैरह लगवा लीजिए, या फिर किनकैन वाली स्कर्ट आती है, बहुत सारे लोगों के पास होती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा काम आती है। आप रखते हैं स्कर्ट वगैरह पहनते हैं नॉर्मली कॉटन वॉटन का, उसके नीचे किनकैन वाली स्कर्ट पहन लेते हैं, या फिर आप इस तरह के लहंगे ट्राई कर रहे हो उसके नीचे आप पहन लो तो बहुत ही अच्छे से आती है, अमेजोन पे मिल जाती है इजिली। तो आप वो या तो है आपके पास तो पहन लीजिए, अगर नहीं है तो आप इसके नीचे एक बकरम लगवा लीजिए या फिर किनकैन लगवा लीजिए, अपने टेलर से बोलिएगा वो लगा देगा ग्रीन वाले पे, इस वाले पे। तो और भी मतलब एक फुल आप नहीं लगवाते हो तो भी कोई जरूरत नहीं है, बट आप लगवा लोगे तो और ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा आपकी ड्रेस। सो ये रहे तीनों लहंगे, आप साड़ी पे चलते हैं। तो मुझे एक एंगेजमेंट में जाना था तो मैंने ये साड़ी जो है उसको स्टिच करवा लिया फुल, इसके बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो जो मैं वीडियो डालूंगी वो मैं जहाँ पार्टी में गई थी उसी का जो है ट्राई ऑन हॉल डालूंगी। सो ये पिंक कलर की साड़ी, इससे पहले मैंने एक सेलर से मंगाया था, इतना गंदा सा बदबूदार कपड़ा भिजवा दिया था, तो वो मैंने रिटर्न करा। बहुत मतलब 3 से 4 बार मुझे कॉल सेंटर में कॉल करना पड़ा, 3-4 बार जो है रिटर्न लेने वाला आया, मतलब इसके बाद वो मुझे रिटर्न हुआ, उसका वीडियो भी मैंने डाला हुआ है अपने चैनल पे। फिर मुझे मंगवाना था तो मैंने दूसरे सेलर से ट्राई करा, क्योंकि ये साड़ी जो है मीशो पे बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही थी, तो मैंने दूसरे सेलर से ट्राई करा। थैंक गॉड कि मुझे दूसरे सेलर से जो है साड़ी जो है वही मिल गई। सो ये है ऑर्गेन्जा सिल्क की साड़ी है। यार इस समय ऑर्गेन्जा इतना अच्छा लगता है कपड़ा, इतना ज्यादा चल रहा है। आप ड्रेसेस ले रहे हो, आप साड़ी ले रहे हो, और इस तरह की जो चीजें हैं ऑर्गेन्जा पे मिल जाती है ना, तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है, क्योंकि इसकी कपड़े की क्वालिटी है, जो कपड़े का मतलब एक लुक आता है वो बहुत ही प्रीमियम लुक आता है, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। सो ऑर्गेन्जा पे ये कपड़ा फुल इस तरह से, ये फुल इस तरह से एम्ब्रॉयडरी की हुई होगी, ये सितारे लगाए हुए हैं, सितारे और उसी तरह का पिंक कलर का धागा लगाया हुआ है, और ये इस तरह से लाइट कलर में पूरा मिरर वर्क सितारे और जरी से काम करा हुआ है, सिल्वर काम है इसका, मतलब पिंक कलर में है। इसके साथ अगर आप अगर ज्वेलरी कोई भी कैरी करते हो तो सिल्वर ज्वेलरी ज्यादा अच्छी लगेगी। नॉन पेड वीडियो है, सो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज जरूर बताइएगा, और अगर आप इनमें से कुछ भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मुझे इसमें से किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, सारा कुछ जो है प्राइस के हिसाब से बहुत ज्यादा मस्त आया है। क्वालिटी यार ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इतना कम प्राइस में पे कर रहे हो, काफी अच्छी क्वालिटी में जो है चीजें मिल गई। ये मुझे आई थिंक 1700 की साड़ी पड़ी 1700 में, इस तरह से फुल ऊपर की अगर देखो तो पूरे में वर्क किया हुआ है इस तरह से। मैंने देखिए मैंने जो है फॉल वगैरह सारा कुछ लगवा लिया है इस तरह से। सो ये है मेरी साड़ी, कैसी लग रही है आप लोगों को? अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो जरूर ट्राई करिएगा इसका। और इसका ब्लाउज जो है वो मैंने स्टिच करवा लिया, ऑफकोर्स मैंने पहना था तो मैंने इसको स्टिच करवा लिया है, बट ये इसका ब्लाउज आएगा। मैंने फ्रंट पे हुक रखवाए हुए हैं इसके, आप चाहो तो इसको बैक पे करवा सकते हो। फ्रंट जो आ रहा है ना इसका, इस तरह से एम्ब्रॉयडरी में आएगा। जो ब्लाउज दिए होते हैं ना जैकार्ड कपड़े में, उसी तरह का दिया हुआ, फ्रंट में इस तरह से एम्ब्रॉयडरी आएगी और बैक जो है प्लेन आएगा। इस तरह से बैक जो है प्लेन आ रहा है इसमें, बैक में मैंने इस तरह से इसमें डोरी लगवाई हुई है, और स्लीव्स जो है ना मैं इसी तरह का स्लीव्स का आता है कपड़ा इसमें, बट मुझे उस तरह का नहीं लगवाना था क्योंकि स्लीव्स जो है ट्रांसपेरेंट ज्यादा अच्छी लगती हैं, तो इसके लिए मैंने क्या करा साड़ी का ही कपड़ा पीछे से निकलवा लिया। बट अगर आप ऐसा करते हो ना तो ज्यादा कपड़ा मत निकलवाइएगा क्योंकि साड़ी फिर छोटी हो जाती है। मैंने अपने टेलर से बोला था यहाँ से यहाँ तक के लिए, बट बोल रहा था वो साड़ी छोटी हो जाएगी, इसलिए मैंने छोटा छोटा स्लीव ही निकलवाया, इतना सा कपड़ा ही निकलवाया था ताकि मेरी साड़ी भी ना छोटी हो और मुझे स्लीव्स भी बनके इस तरह से रेडी हो जाए। तो इस तरह से मैंने स्लीव्स जो है साड़ी से ही निकलवा लिया। तो अगर आप कभी ऐसा करते हो तो बहुत छोटा सा कपड़ा निकलवाइएगा क्योंकि इससे साड़ी फिर काफी छोटी हो जाती है। सो ये रहा आज का मेरा हॉल फुल पार्टी वियर वीडियो, हॉल वीडियो, और जो कि है मीशो से। सो
कैसा लगा आज का आपको मेरा वीडियो? अगर पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को एक लाइक बटन तो बनता ही है यार। फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।